नमस्कार दोस्तों, फाइट कोरोना फ्रूट सीरीज के 207th एपिसोड में मैं तेजपाल और माय डॉटर यशस्वी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है वो बहुत ही हिट मूवी जो है पड़ोसन और उसका उतना ही खूबसूरत सॉन्ग मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो दोस्तों, ये जो सॉन्ग है ये ओरिजिनली जी शार्प के ऊपर बेस है और हाउएवर इसको मैं फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको इसको डी स्केल का फ्लूट पर इसको देने जा रहा हूँ। डी मिडिल ये फ्लूट है और इसको आप किसी भी फ्लूट से निकाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके स्वर बहुत ही सिंपल हैं एंड मोस्टली इसमें जो है वो मध्य सप्तक मिडिल ऑक्टेव का यूज है। सा रे ग म प ध तक ये स्वर इसके यूज होते हैं और मंद्र सप्तक मतलब पिछले ऑक्टेव के भी इसमें प ध नि का यूज हुआ है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें हाई ऑक्टेव का एक भी स्वर नहीं लगा है, सारे जो है इसमें मिडिल ऑक्टेव और मंद्र सप्तक के तीन स्वर, ठीक है, जिससे कि ट्यूटोरियल बहुत ही इजी सिंपल है और उतने ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसको बताने जा रहा हूं। इसमें इनिशियल जो हमिंग पार्ट है उसको भी बताया जाएगा और उसके बाद एक मुखड़ा और एक अंतरा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका जो इनिशियल हमिंग है देख लीजिए, हे इस तरह से कुछ है, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे सा के साथ में नी का कर्ण या ध का कर्ण लगा दीजिए। सा 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 रे गा, चार बार सा 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 ध के कर्ण के साथ में या नी के कर्ण के साथ में, उसके बाद ही गाना टेक ऑफ होता है। मुखड़े का जो फर्स्ट लाइन है मेरे सामने सारे ग सा 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 वाली में सानी सानी खिड़की में धरे रे 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 ध रे 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 तीन बार खिड़की में, पूरी लाइन देखिए, टॉ की टंगविंग भी अगर साथ में करोगे तो और अच्छा लगेगा। सारे ग सा 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 सानी धरे रे एक चांद सारे ग सा सेम वही धुने दोबारा से एक चांद सारे ग सा का टुकड़ा सा 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 नी रहता है ध सा सा, पहले ध रे रे था फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में ध रे 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 ध सा सा सा, ठीक है, एक चांद का टुकड़ा रहता है ध सा सा सा। थर्ड लाइन, अफसोस ये है प मंद्र सप्तक का आ गया अभी पिछले ऑक्टेव का, अफसोस ये है प ग रे ग के वो हमसे ध म म ग म ध म म ग म के वो हमसे कुछ उखड़ा कुछ उखड़ा सानी धानी, ये नी और ध पिछले ऑक्टेव के हैं, बाकी सा मिडिल ऑक्टेव का, ठीक है। तो पिछले ऑक्टेव के जो भी स्वर है स्मॉल लेटर्स में दिखाए गए हैं, मिडिल ऑक्टेव के कैपिटल लेटर्स में, और हाई ऑक्टेव का तो इसमें कोई स्वर यूज नहीं हुआ है। जो भी स्वर जल्दी से बजाना है उनको मैं ब्रैकेट में दिखाऊंगा, तो आप समझ जाइए कि उसको बहुत तेजी से निकालना है, ठीक है। कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है कुछ उखड़ा उखड़ा में सानी धानी, ठीक है, उखड़ा
सारे घरे सा सा सा, सारे घरे सा सा सा। तो दोस्तों बस इतना ही था, मुखड़ा पार्ट इज ओवर। नाउ वी मूव टू द अंतरा पोर्शन। ठीक है, अंतरा में भी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि कोई भी स्वर इसमें हाई ऑक्टेव में नहीं जा रहा। डी मिडिल ये फ्लूट है एंड अंतरा की जो फर्स्ट लाइन है, जिस रोज से देखा है उसको, सा ग प प ध प म ग रे रे ग म म ध प, जिस रोज सा ग प से देखा प प ध प म ग। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मेहनत एक्स्ट्रा इसमें करना पड़ेगा। से देखा प प ध प प ध प और फिर मगा है उसको, रे ग रे ग म ध प रे ग म ध प। ठीक है, पहले सिंपल प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप उंगलियों को हरकत देके इसको और इंटरेस्टिंग बनाना बना सकते हैं। पर आपको ये सॉन्ग कंटिन्यू सुनना पड़ेगा, बहुत बार इसको सुनोगे तो आपको ये इजीली जो इसमें हरकतें हैं वो समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। जिस रोज से देखा है देखा है उसको, रे ग म ध प, हम शम्मा जलाना भूल गए, हम परे। अभी जो प है ये मंद्रकनी है, ये मिडिल ऑक्टेव वाला है। हम समा जलाना परे रे रे ग म ध प, भूल गए म ग ग ग भूल गए। अंतरा का जो सेकंड पैरा है एग्जैक्टली यही सर लगते हैं। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा इज, अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। अब 8 पहर इन आंखों में, देखिए किस तरह से बजता है ये, सारे सानी नीनी सारे रे। ठीक है, इन आंखों में रे ग म ध प और फिर मगरे। ठीक है, मगरे को थोड़ा सा स्पीड से निकालना है, जल्दी से निकालना है, तो उसको ब्रैकेट में दे रहा हूं। वो चंचल मुखड़ा रहता है, रे प म रे प मग मुखड़ा रे रे ग सा, ये ग भी कम वक्त के लिए है तो इसको भी ब्रैकेट में। वो चंचल दोस्तों, इसके साथ ही मैं इजाजत देता हूँ, आज का ट्यूटोरियल समाप्त होता है। बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल था, होप यू मस्ट हैव एंजॉयड एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न दिस इजी सॉन्ग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी फ्लूटिंग, हैव अ ग्रेट डे।